दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सिंघाड़ा के विषय में। इसे पानी फल के नाम से भी जाना जाता है। यह पानी में पसरने वाली एक ऐसी लताओं में होने वाला फल है जो तिकोने का आकार का होता है। इसके सिर के दोनों तरफ दो कांटे नुमा चीजें निकली होती हैं। इसको छीलकर इसके गुदे को सुखाकर और पीसकर आटा बनाया जाता है। आटे से बनी खाद्य वस्तुओं का भारत में लोग व्रत एवं उपवास जैसी चीज़ों पर बहुत ही प्रयोग करते हैं। एक अनाज नहीं वरन एक फल माना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे वाटर कैलट्रॉप के नाम से भी जाना। दोस्तों एक अद्भुत चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ। आप लोगों ने इसे देखा जरूर होगा, लेकिन आपने कभी इस चीज़ पर विचार नहीं किया होगा कि यह कितना लाभप्रद है। इसे क्यों लोग खेती करते हैं, किसान क्या इसके बेनिफिट हैं, तो हम पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे साथियों। तो ये देखिए, ये दोस्तों है सिंघाड़ा। इसे पानी फल के नाम से भी जाना जाता है। कई क्षेत्रों में हम लोग इसे सिंघाड़ा के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों जैसे छठ वगैरह हुआ इसका, उस टाइम पे इसका महत्व दाम बहुत ही बढ़ जाता है। जैसे यह 40 रुपए से 60 रुपए केजी, हालांकि छठ का पर्व जो है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ही मायने रखता है जाता है। और मैं एक अच्छी चीज़ अभी आया था तो देखा मैंने दोस्तों कि जैसे ये सिंघाड़ा है जो, इसको लगाने के लिए दोस्तों कोई एक प्रॉपर जगह चाहिए होता है जहाँ 3 से 4 फीट गड्ढा हो इसके, मतलब बीज को उगाने के लिए दोस्तों। और ये हमारे किसान ने किया क्या है कि ये जो मैनर है दोस्तों, लगभग 3 से 4 फीट गड्ढा है और ये बहता हुआ पानी है। हम इसमें रुकने वाला पानी नहीं है, अभी मैं इसमें उतर के भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसी में जो है बीज अपना डाल दिया है साथियों। और अब इसके बाद ये बीज जो है एक प्रॉपर खेत में जो 3 से 4 फीट गड्ढा रहेगा जहाँ पे दोस्तों, इसको जो है अपना फल लेने के लिए, अपनी जड़ें जमाने के लिए 3 से 4 फीट तक गड्ढा होना अनिवार्य है। हालांकि उससे ज़्यादा भी रहे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन 3 से 4 फीट होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो दिक्कत करता है साथियों। रुका तोता की बात की जाए तो जैसे छठ का पर्व हुआ और समय समय पर दोस्तों जैसे व्रत हुआ या फिर किसी की बीमारी हुआ, उस समय में इसके सिंघाड़े का हलवा और अन्य प्रकार की चीज़ों में, जैसे इसके पाउडर में भी बच्चों को पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को घोल के इसके पाउडर को भी पिलाया जाता है साथियों, तो यह लाभप्रद होता है। हम इसमें उतर के अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि यह होता क्या है वास्तव में। तो देखिए ये इतना गड्ढा है, मेरे घुटने तक पानी आ रहा है साथियों। और ये देखिए ये पूरी जड़ें जो है नीचे जमाए हुए है। हम अभी इसको उखाड़ के देखते हैं। इसको उखाड़ने से कोई नुकसान नहीं होता साथियों, क्योंकि अब फिर हम छोड़ेंगे जब पानी में तो ये अपनी जड़ें जमा लेगा। ये देखिए ये पूरा इतनी बड़ी इसकी जड़ें हैं साथियों। ये देखिए अब इन जड़ों में से ये देखिए अब पत्ते निकल रहे हैं जो है, देख रहे हैं साथियों आप लोग, 1 2 3 4 5, मतलब एक बीज से 5 लगभग इसकी टहनियाँ निकली हुई हैं। अब समझ सकते हैं आप लोग, और मतलब बहुत ही अच्छी तकनीक है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आगे दिखाएं कि मतलब ये तो अद्भुत ही हो गया, मैंने पहली बार देखा है। देखिए ये वहाँ से शुरू किया है किसान ने और पूरा वहाँ तक, ये पतली नाली है सिंचाई के लिए, सरकारी नाली है, और इसी में जो है लगा दिया है। बहुत ही अच्छा तकनीक है पैसा कमाने का। दोस्तों ये पानी फल कहाँ रोपा जाएगा, कहाँ इसके लिए कितनी गड्ढे की आवश्यकता होती है, क्या यह एक नॉर्मल खेत में भी रोपा जा सकता है कि जहाँ पे की खेती होती हो धान और गेहूं की, तो हम उसके विषय पे पूरी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आप लोगों को ले चलते हैं जहाँ पे यह रोपाई की जाएगी। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं जिस खेत में यह बीज डाला जाना है। तो देखिए ये सिंघाड़ा है और हम पानी में उतर के आपको विधिवत बताते हैं किस प्रकार से यह डाला जाएगा और किस प्रकार से अपनी जड़ें जो है लगभग कितनी दूर में छेक लेगा। तो देखिए दोस्तों, और देखिए साथियों, जैसे साथियों कई किसान हमारे करते क्या हैं कि जैसे अपनी मिट्टी निकलवा देते हैं पैसे के अभाव में, तो हाई वाला छोड़ा नीचे और वादा है कि छोड़ा ना ये बस। दोस्तों जैसे कई किसान होते क्या हैं कि ये मिट्टी निकलवा देते हैं अपने खेत की उपज के कुछ पैसे के अभाव में, शादी विवाह या किसी अन्य चीज़ के लिए, तो वो होता क्या है साथियों कि अब धान के सीजन में तो उसमें धान नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए इतना पानी लग गया और इतने पानी में धान तो हो नहीं पाएगा। तो करते क्या है कि जैसे किसी को पटबंधक 15,000 16,000 18,000 बीघे के हिसाब से, यानी अगर 15,000 बीघे के हिसाब से रख लिया जाए तो 21,000 22,000 रुपये एकड़ के हिसाब से खेत एक वर्ष के लिए धान गेहूं के सीजन की पूरी रबी खरीफ फसल के लिए दे देते हैं। तो इसमें करते हैं क्या है कि जो खेत लेते हैं साथियों, तो ये सिंघाड़ा का बीज जो अभी अपने आप लोगों को दिखाया वहाँ पर नहर में डाले थे, तो उसको उखाड़ के, और एक जैसे देखिए यह है जड़ें इसकी, देख सकते हैं आप लोग, अब उसको ऐसे एक जगह रख देंगे। अब ये अपनी जड़ें जो है नीचे जमा लेगा और साथियों ये एक सिंघाड़ा लगभग इतने दूरी में
जगह बना लेगा साथियों। और इसकी तुड़ाई जो है लगभग डेढ़ महीने बाद, डेढ़ से दो महीने के बाद लगभग तुड़ाई शुरू हो जाएगी। और छठ और दीपावली आते आते साथियों गजब की पैदावार किसान लेते हैं, तो आप लोग भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए साथियों हमें कमेंट करें कि क्या आपको और जानकारी चाहिए। तो धन्यवाद साथियों। सिंघाड़ा भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के तालों और जलाशयों में रोप कर लगाया जाता है। इसकी जड़ें पानी के भीतर दूर तक फैलती हैं। इसके लिए पानी के भीतर कीचड़ का होना आवश्यक होता है। कंकरीली या बलुई ज़मीन में नहीं फैल सकता है। इसके पत्ते 3 अंगुल चौड़े कटावदार होते हैं, जिनके नीचे का भाग ललाई के लिए होता है। फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। फल तिकोने होते हैं, जिनकी दो नोके कांटे या सींग की तरह निकली होती हैं। बीज का भाग खुरदरा होता है, छिलका मोटा पर मुलायम होता है। इसके भीतर सफ़ेद गुदा या गिरी होती है। ये फल हरे खाए जाते हैं। सूखे फलों की गिरी का आटा भी बनता है, जो व्रत के दिन फलाहार के रूप में लोग खाते हैं। अबीर बनाने के लिए भी आटा काम में आता है। वैदिक में सिंघाड़ा शीतल, भारी, कैसैला, वीर्यवर्धक, मलरोधक, वातकारक तथा रुधि विकार और निर्दोष को दूर करने वाला कहा गया। विशेषतः इसकी स्वंगीकार अपस्थानिक मूल पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है। इसके लाभ की बात की जाए तो दोस्तों यह ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, स्ट्रेस को कम करता है, वजन घटाने में मददगार होता है, न्यूट्रिशंस की भरपूर मात्रा होती हैं। इसको खाते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। सिंघाड़े को कभी भी सुबह जल्दी या देर रात को नहीं खाना चाहिए, इससे सर्दी जुकाम या कफ जकड़न की समस्या हो सकती है। इसे खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। इसकी प्रकृति ठंडी होती है। सिंघाड़े के आटों को ठंडक देने वाले गुण होता है, इसलिए इसका सेवन नवरात्रि के अलावा एकादशी अन्य त्योहारों पर हमारे माताएं बनाए सेवन करती हैं। यह कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, यह फैट फ्री होता है। इसमें उपवास के दौरान डिटॉक्स करने के लिए एक बेहतरीन सामग्री बनाता है। इसके भरपूर मात्रा में आयोडीन होता है, जो थायराइड में राहत प्रदान करता है। सिंघाड़ा सूजन में भी फायदेमंद होता है। इसे डायोस्मेटिन, ल्यूनोनिन, फिसेटिन और टेक्टोरेजिनिन